अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब लोग वेलकम टू द बेस एकेडमी बच्चों जिस तरह आपको पता है हमने इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ स्टार्ट किया हुआ है फिज़िक्स ऑफ सॉलिड्स सेकेंड ईयर का चैप्टर नंबर सेवेंटीन तो ये इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ का सेकेंड लेक्चर है इससे पिछले लेक्चर में हमने एनर्जी बैंड थेरी को पढ़ा है तो इस लेक्चर में हम इंट्रेंजिक और एक्सट्रेंजिक सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ेंगे यानी कि टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स। कंडक्टर्स तो हमारे पास दो ही तरह के सेमी कन्डक्टर्स होते हैं बच्चों एक प्योर सेमी कंडक्टर होता है और एक वो सेमी कंडक्टर होता है जिसमें हमने डोपिंग की होती है या मिलावट की होती है तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जी इंट्रेंजिक सेमी कंडक्टर की बच्चों ये ऐसा सेमी कंडक्टर है जो अपनी प्योर फॉर्म में होता है अगर आप इसको डिफाइन करें तो इस तरह से कर सकते हैं अ सेमी कंडक्टर इन इट्स एक्सट्रीमली प्योर फॉर्म इज कॉल्ड इट्स अ इंट्रेंजिक सेमी कंडक्टर फॉर एग्जाम्पल सिलिकॉन या जर्मीनियम जिस वक्त अपनी प्योर फॉर्म में होते हैं तो ये इनको हम कहते हैं दे आर इंट्रेंजिक सेमी कलेक्टर्स बच्चों इंटरेंजिक सेमी कलेक्ट्र ज होते हैं इनमें अगर हम सिलिकॉन की बात ही कर लें तो यहाँ पर मैं एग्ज़ाम्पल ले सकता हूँ लेट सपोज़ कि मेरे पास एक सिलिकॉन एटम है आपको पता है कि सिलिकॉन के वैलेंस शेल में चार इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो लेट सपोज़ कि ये सिलिकॉन है और उसके वैलेंस शेल में चार इलेक्ट्रॉन्स हैं आपको पता है कि सिलिकॉन के साथ दाएं बाएं भी सिलिकॉन ही होगा तो अगर सिलिकॉन के साथ ये मैं थोड़ा सा करीब करके बना लेता हूँ तो सिलिकॉन के साथ यहाँ पर दूसरे सिलिकॉन एटम्स होंगे ठीक है लेट सपोज़ यहाँ पर भी एक सिलिकॉन आइटम पड़ा है यहाँ पर भी एक सिलिकॉन आइटम पड़ा है यहाँ पर भी एक सिलिकॉन आइटम पड़ा है और यहाँ पर भी एक सिलिकॉन आइटम पड़ा है तो बच्चों क्या होगा कि इस सिलिकॉन आइटम का ये इलेक्ट्रॉन इसके वैलेंस शेल वाले इलेक्ट्रॉन के साथ मिलकर कवल बॉन्ड बना लेता है इसी तरह से ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके वैलेंस शेल वाले इलेक्ट्रॉन के साथ मिलकर कवलेंट बॉन्ड बना लेता है ये दोनों भी कवल बांड बना लेते हैं और यहां पर भी कवर्ण बांड बनता है तो क्या होता है सिलिकॉन अपने वैलेंस शेल में आठ इलेक्ट्रॉन्स पूरे कर लेता है कवर बॉन्डिंग के जरिए बच्चों जब सेमी कंडक्टर्स अपनी प्योर फॉर्म में होते हैं तो उस वक्त ये कवर एंड बॉन्ड्स होते हैं और कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होता नतीजा क्या होता है कि ये सेमी कंडक्टर बिहेव कर रहा होता है लाइक एन इंसुलेटर यानी कि इसके पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है लेकिन जो ही टेम्परेचर आप इंक्रीज करते हैं तो ये कवर एंड बॉन्ड आसानी से ब्रेक हो जाते हैं जिसके नतीजे में इलेक्ट्रॉन यहाँ से फ्री हो जाता है बच्चों जब एक इलेक्ट्रॉन जब एक इलेक्ट्रॉन किसी जगह को छोड़ कर किसी एटम को या किसी कवर एंड बॉन्ड को ब्रेक करके फ्री होता है तो अपने पीछे वो छोड़ जाता है एक वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन या एक एक होल ठीक है तो होल क्या है होल वो जगह है जहां से इलेक्ट्रॉन ब्रेक होकर गया है या जहां से इलेक्ट्रॉन गया है तो होल को हम कंसीडर करते हैं या होल को हम कहते हैं वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन चूंकि ये वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसमें इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन है तो हम कह सकते हैं कि होल पर पॉजिटिव चार्ज होता है तो बच्चों जब एक कवल एंड बॉन्ड ब्रेक होता है तो एक इलेक्ट्रॉन ना सिर्फ एक फ्री इलेक्ट्रॉन पैदा होता है बल्कि उसके साथ साथ एक होल भी जनरेट होता है तो हम ये कह सकते हैं कि जब भी एक प्योर सेमी कंडक्टर में या सिलिकॉन में या जर्मेनियम में कवल एंड बॉन्ड्स की ब्रेकिंग होती है कवल एंड बॉन्ड टूटते हैं तो वहां पर इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होते हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है इलेक्ट्रॉन होल पेयर बच्चों अगर हम सेमी कंडक्टर्स की कंडक्टिविटी को इंक्रीज़ करना चाहते हैं आपने देखा कि यहाँ पर ये कवलेंट बॉन्ड बना के रहते हैं और हमारे पास ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते बल्कि उसी वक्त फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जब ये बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं बच्चों अगर हम ये चाहते हैं कि हम अपने सेमी कंडक्टर्स की कंडक्टिविटी को ज़्यादा करें उसको बेहतर करें तो उसके लिए एक प्रोसेस है जिसे हम कहते हैं डोपिंग तो बच्चों डोपिंग के बाद हमारे पास जो सेमी कंडक्टर्स आते हैं वो प्योर नहीं रहते उन्हें कहते हैं एक्सट्रेंजिक सेमीकंडक्टर तो अगर हम इनको डिफाइन करें तो ये क्या होंगे अडोप्ड सेमी कंडक्टर इज कॉल्ड एक्सट्रेंजिक सेमी कंडक्टर और बच्चों डोपिंग क्या है अ प्रोसेस इन विच इंप्योरिटी इज एडिड टू प्योर सेमी कंडक्टर अब ये इंप्योरिटी क्या होती है इंप्योरिटी होती है सर्टन अमाउंट ऑफ सम सूटेबल एलिमेंट यानी कि कोई दूसरा एलिमेंट हम अपने प्योर सेमी के अंदर सिलिकॉन के अंदर या जर्मेनियम के अंदर कोई भी दूसरा एलिमेंट बतौर मिलावट शामिल करते हैं इस प्रोसेस को कहते हैं डोपिंग डोपिंग के नतीजे में हमारे सेमी की जो कंडक्टिविटी है ये इनहेंस हो जाती है बढ़ जाती है अब ये डोपिंग कितनी करनी होती है इसकी रेशो हमारे पास वन इंटू टेन रेज टू दी पावर सिक्स एटम्स होते हैं यानी कि अगर हमारे पास जो ओरिजिनल सेमी कंडक्टर है या प्योर सेमी कंडक्टर है उसके टेन रेज टू द पावर सिक्स एटम्स होंगे तो हम उसमें एक ऐटम बतौर इंप्योरिटी शामिल करेंगे इस रेशो से डोपिंग की जाती है आप देख रहे हैं कि डोपिंग की रेशो बहुत ही कम है तो बच्चों डोपिंग के नतीजे में हमारे पास जो सेमी कंडक्टर्स तैयार होते हैं जिनको एक्सट्रेंसिक सेमी कंडक्टर्स कहते हैं उनकी भी दो टाइप्स होती हैं जिसे हम कहते हैं एन टाइप सेमी कंडक्टर्स और पी टाइप सेमी कंडक्टर्स तो पहले हम बात कर लेते हैं एन टाइप सेमी की बच्चों के लिए हम सिलिकॉन में या जर्मेनियम में टेबल के पांचवें ग्रुप से किसी भी एलिमेंट को बतौर इंप्योरिटी या मिलावट शामिल करते हैं तो पांचवें ग्रुप से आप जो भी एलिमेंट लेते हैं इसे हम कहते हैं पेंटावेलेंट इंप्योरिटी इसे हम कहते हैं जी पेंटावेलेंट इंप्योरिटी ठीक है अब आपने फिफ्थ ग्रुप से फॉर एग्जाम्पल फास्फोरस ले लिया और उसको आपने इंप्योरिटी के तौर पर सिलिकॉन के अंदर डाल दिया अब आपको बताया कि फास्फोरस जो है ये फिफ्थ ग्रुप से है तो इसके बैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे पांच होंगे तो देखते हैं क्या होता है बच्चों फास्फोरस का ये वाला इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन के इस इलेक्ट्रॉन से मिलकर कवरेंट बॉन्ड बना लेता है फास्फोरस का ये इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन के इस इलेक्ट्रॉन से मिलकर कवरेंट बॉन्ड बना लेता है फास्फोरस का ये इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन के इस इलेक्ट्रॉन से मिलकर कवरेंट बॉन्ड बना लेता है फास्फोरस का ये इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन के इस इलेक्ट्रॉन फास्फोरस का ये इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन के इस इलेक्ट्रॉन से मिलकर कवरेंट बॉन्ड बना लेता है लेकिन आपको पता है कि फास्फोरस फिफ्थ ग्रुप से है पेंटावलेंट डिप्योरिटी है तो इसके बैलेंस शेयर में पाँच इलेक्ट्रॉन है चार इलेक्ट्रॉन्स तो इस्तेमाल हो गए उन्होंने सिलिकॉन के चारों एटम्स के साथ मिलकर कवरेंट बॉन्डिंग कर ली अब एक पांचवा इलेक्ट्रॉन है जो फ्री बच गया है जिसे हम कहेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन बच्चों ये फ्री इलेक्ट्रॉन जो है ये कंडक्टिविटी में कंट्रीब्यूट करेगा इसकी वजह से करंट फ़्लो करेगा या ये करंट करंट में कंट्रीब्यूट करेगा ठीक है तो क्या हुआ एन टाइप सेमिक इडक्टर्स में हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो होल्स के मुकाबले में ज़्यादा होते हैं तो हम कह सकते हैं कि एन टाइप सेमिक एडक्टर्स में जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स हैं अब बज़ाहिर हमें लग रहा है कि यहाँ इलेक्ट्रॉन हमारे पास फ्री हैं लेकिन हमारे पास जो क्रिस्टल होगा एन टाइप क्रिस्टल होगा या जो भी पी टाइप क्रिस्टल होगा उस क्रिस्टल पर ओवरऑल कोई चार्ज नहीं होगा वो पहले भी न्यूट्रल था वो अब भी न्यूट्रल ही रहेगा हालांकि अब इसमें मेजोरिटी कैरियर्स जो है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये बन गया है बच्चों एन टाइप सेमी इसी तरह से हमारे पास है पी टाइप सेमी तो बच्चों पी टाइप सेमी के लिए हम क्या करते हैं हम पीरियोडिक टेबल के थर्ड ग्रुप से किसी एलिमेंट को बतौर मिलावट शामिल करते हैं थर्ड ग्रुप से जो एलिमेंट आप लेते हैं इस इंप्योरिटी को हम कहते हैं ट्राइवलेंट इंप्योरिटी तो ट्राइवलेंट इंप्योरिटी के तौर पर लेट सपोज हम एल्युमिनियम को ले लेते हैं तो बच्चों एल्यूमिनियम चूंकि थर्ड ग्रुप से है इसके बैलेंस शेल में तीन इलेक्ट्रॉन होंगे लेकिन इसके आसपास देखें चारों तरफ सिलिकॉन के एटम्स हैं ठीक है तो क्या होगा एल्यूमिनियम का एक इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन के इस इलेक्ट्रॉन से मिलकर कोवलेंट बॉन्ड बना लेगा इस तरह ये दोनों कवरेंट बांड बना लेंगे ये दोनों भी कवरेंट बांड बना लेंगे अब यहां चौथी जगह पर सिलिकॉन के इलेक्ट्रॉन के पास एल्यूमिनियम का कोई चौथा इलेक्ट्रॉन नहीं है जिसके साथ उनका कवर एंड बन सके तो नतीजा क्या होगा वहां पर एक गैप रह जाएगा वहां पर एक वैकेंसी रह जाएगी इलेक्ट्रॉन की जिसे हम कहेंगे होल और होल पर हम कंसिडर करते हैं पॉजिटिव होल एक पॉजिटिव चार्ज के बराबर है क्योंकि ये वैकेंसी है इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन है एफिनिटी है इलेक्ट्रॉन यहां पर जाकर बैठ सकता है इसलिए हम कंसिडर करते हैं कि ये एक पॉजिटिव चार्ज के बराबर है तो बच्चों यहाँ पर देखें एक होल जनरेट हो गया अब इस होल को फिल करने के लिए हो सकता है पड़ोसी आइटम से कोई इलेक्ट्रॉन आ जाए इस होल को फिल कर दे तो जिसके नतीजे में कंडक्टिविटी शुरू हो जाए तो पी टाइप्स हमी कंडक्टर्स के अंदर हमारे पास जो, 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 जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं वो होल्स हैं तो जिस मैंने पहले बात की कि चाहे एन टाइप में इलेक्ट्रॉन ही क्यों ना मेजॉरिटी कैरियर हो पी टाइप में होल्स ही क्यों ना मेजॉरिटी कैरियर्स हों दोनों सूरतों में दोनों पी टाइप और एन टाइप ये न्यूट्रल ही रहेंगे तो इसका मतलब है बच्चों जो सेमी कंडक्टर्स होते हैं सेमी कंडक्टर्स के अंदर करंट की जो कंट्रीब्यूशन है उसमें दो तरह के चार्ज कैरियर्स का कंट्रीब्यूशन है एक हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं और दूसरे हमारे पास होल्स हैं इसका मतलब है कि सेमी कंडक्टर्स के अंदर जो करंट होता है या सेमी कंडक्टर्स में जो चार्ज कैरियर्स होते हैं वो हमारे पास होल्स भी हो सकते हैं और वह हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं तो ये था बच्चों इंट्रेंजिक सेमी क्या होता है और एक्सट्रेंजिक सेमी क्या होता है इंशाल्लाह अब जो नेक्स्ट लेक्चर हमारा आएगा उसमें हम देखेंगे कि सेमी के अंदर करंट किस तरह से फ्लो करता है इलेक्ट्रॉन्स की वजह से और होल्स की वजह से थैंक यू अल्लाह हाफिज़